नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN24। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर दिल्ली तक पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी देश के 24 राज्यों में बारिश की आशंका जताई। हिमाचल में आज थोड़ी राहत मिल सकती है, तो वहीं उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। हिमाचल में अलग अलग जगहों पर टूरिस्ट फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए सैलानियों को निकालने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल के लिए चल रहा है। चंद्रताल में करीब 250 टूरिस्ट फंसे हैं, तो सिस्सू में 300 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। बड़ी परेशानी चंद्रताल के लिए है, क्योंकि कल भी वहां हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की गई थी, जो कामयाब नहीं हुई। और अब आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। हिमाचल में अगर आज बारिश नहीं हुई तो रेस्क्यू के काम में तेजी आ सकती है। तबाही इतनी ज्यादा है कि सड़कों के ठीक होने में लंबा वक्त लग सकता है। सरकार के सामने पहली चुनौती टूरिस्ट की है, क्योंकि टूरिस्ट पैदल चलकर बड़े स्टेशनों तक पहुंच रहे हैं। हिमाचल में इस वक्त 1239 सड़कें बंद है। शिमला में सबसे ज्यादा 581, मंडी में 200, चंबा में 116, सिरमौर में 101, हमीरपुर और लाहौल स्पीति में 97 सड़कें बंद है। आपको बता दें, अब तक 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार तीसरे दिन की बारिश से अब तक 4000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जल समाधि हो चुकी है। 60 से ज्यादा गाड़ियां खिलौनों की तरह सैलाब में बह चुकी हैं। 79 घर टूटकर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 4500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर के ठप होने से हिमाचल का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा है। मंडी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एहतियातन करीब 115 मकानों को प्रशासन ने खाली करवा लिया है। 800 से ज्यादा रास्ते बंद होने के चलते गांवों से संपर्क टूट गया है। वहीं उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश से तबाही की तस्वीरें आने लगी हैं। वहीं दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना खादर के इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कवायद भी शुरू कर दी गई। यमुना किनारे खादर के इलाके में बनी झुग्गियों से करीब 27,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का वेग विकराल हो गया है। अगर यमुना का जलस्तर बढ़ा तो दिल्ली के तकरीबन 9 इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ आ सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे GPN24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GPN24 न्यूज।